गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के बीटीएसटी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए कौन सा ट्रेड बन रहा है जिसको हमें आज बाय करना है और कल सुबह मॉर्निंग को सेल करना है, ताकि जो ट्रेडर्स जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम की कमी होती है, उनके लिए ये बीटीएसटी ट्रेड हेल्पफुल हो सके। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, बीटीएसटी ट्रेड रिस्की ट्रेड होता है क्योंकि इसमें टाइम डीके होता है और न्यूज़ कोई भी अगर आती है तो नेक्स्ट डे मार्केट अपोजिट रिएक्शन देता है। इसीलिए हम लोग परफेक्ट लेवल्स के ऊपर ही ट्रेडिंग करते हैं। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस का, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स जो होते हैं वो मैं कैसे फाइंड करती हूँ और प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर से कैसे हम लोग एक परफेक्ट लेवल फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल्स फाइंड कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, ताकि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में, बीटीएसटी ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो सके और जो भी लोग लॉन्ग के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टली चलते हैं बीटीएसटी सेटअप के ऊपर निफ्टी के, और निफ्टी का एनालिसिस भी मैं करूंगी कि यहाँ से आगे निफ्टी का क्या चांसेस हो सकता है कल के दिन के लिए भी। तो अभी देखिए, फ्री फॉल देखने को मिल रहा है हमें गैप जोन से निफ्टी के, और निफ्टी की ओपनिंग तो अच्छी थी, लेकिन जैसे मैंने कल आपको वीडियो में कहा था, 450 और 500 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी 50 के लिए, और यहाँ पर ओपनिंग के बाद निफ्टी जो है वो हमें गैप जोन में एंटर करता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमें एक फ्री फॉल जो है वो अब तक देखने को मिल रहा है और अभी भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं डेली चार्ट के ऊपर एक लॉन्ग नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रही है। अभी भी बहुत टाइम है, 1-1.5 घंटा बचा है मार्केट क्लोजिंग के लिए। और अभी अगर हम लोग देखें तो निफ्टी के लिए, बीटीएसटी के लिए क्या सेटअप बनता है, तो अभी निफ्टी जो है वो अपने इंपॉर्टेंट बाइंग जोन में पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये दो लेवल्स मार्क किए हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा है, मेरा जो एनालिसिस होता है वो प्राइस एक्शन बेस होता है, कुछ इंडिकेटर्स यूज करती हूँ मैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एमएससीडी, और यहाँ तक कि ऑप्शन चेन डेटा भी, और जो बाकी के फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर मैं ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स है वो निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो लेवल्स निकाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, 17370 का और 17170 का। तो आप अभी अगर देखें तो निफ्टी जो है वो हमें 17189 के पास ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारे इस लेवल के पास निफ्टी जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है। और ये जो लेवल है ये निफ्टी के लिए बाइंग लेवल है, बाइंग जोन है। तो अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी मिलने के चांसेस है, लेकिन अगर ये लेवल के नीचे निफ्टी निकल जाता है फिर यहाँ से और ज़्यादा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव के चांसेस कितने हैं, फिर यहाँ से निफ्टी जो है वो हमें 1750 एंड 16880 और 890 तक गिरता हुआ दिखाई देगा। तो आप ये बात ध्यान में रख सकते हैं और कल के लिए आपको जो है वो यहाँ पर हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये एनालिसिस मैं पूरे दिन के लिए भी और नेक्स्ट सेशन के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए भी रहेगा। तो आप ध्यान में ये रखिएगा कि ये लेवल जैसे ही टूटता है यहाँ से और ज़्यादा फ्री फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर निफ्टी जो है वो इस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करता है, ये लेवल तोड़कर फिर से इस लेवल के पास आता है और 17170 और 200, 17170 एंड 200 ये जोन में अगर निफ्टी ट्रेडिंग करता है, 315 और 320 को इसी लेवल्स में होगा, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है निफ्टी के अंदर। और अगर आप बोलोगे कि क्या ये बुलिशनेस होगा, नहीं, बुलिश निफ्टी तभी होगा जब निफ्टी 17450 के अबाव क्लोजिंग देगा, तभी निफ्टी बुलिश होगा। लेकिन यहाँ से एक स्मॉल बाइंग हमें देखने को मिलेगी जो निफ्टी को 17300 एंड 17370 तक लेके जाएगी, लेकिन ओपनिंग में इतना गैप अप होने के चांसेस कम है। लेकिन यस, हमें जो है यहाँ से 17170 और 200 के लेवल से एक 90 पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं, 90 to 100 पॉइंट्स निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो 915 और 920 को हम लोग ये ट्रेड एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पर आप जो है वो बाइंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आप कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप 17100 सी बाय कर सकते
सकते हैं और इसमें अपनी पोजीशन जो है वो बना सकते हैं 315 320 को, जो भी चल रहा होगा उस लेवल के ऊपर, उस प्राइस के ऊपर आप ले सकते हैं 17100 सी। निगेटिव के चांसेस कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड है वो निफ्टी का नेगेटिव ही चल रहा है, लेकिन अभी इतना फ्री फॉल देखने को मिला है तो थोड़ी बहुत बाइंग तो देखने को मिलेगी मिलेगी। तो अगर यहाँ से निफ्टी 1750 के नीचे चला जाता है, 315 और 320 को इस लेवल से नीचे, तो ही एक ट्रेड हम लोग लेंगे। सिर्फ 70-80 पॉइंट्स का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है निफ्टी का, 17,000 या फिर 16,950 और 960 तक ये फॉल होगा अगर 1750 के नीचे ट्रेडिंग हो रही है 315 और 320 को। तो यहाँ पर आप 17200 पी बाय कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, 17200 पी आप अगर 17,050 के नीचे मार्केट होगा 315 320 को तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये दो सेटअप हो गए निफ्टी के, और जैसे कि यहाँ पर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स मार्क किए हुए हैं, ये अपने चार्ट के ऊपर मार्क कीजिएगा। 17170 यहाँ से फर्स्ट बाइंग लेवल है, सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे निफ्टी 1750 एंड 16880 तक गिरता हुआ दिखाई देगा अपसाइड के लिए। 17360-370 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और 17450 एंड 17580 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो निफ्टी 50 के लिए मैंने आपको लेवल्स जो है वो बता दिए हैं। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी कहाँ पर पहुंचा है, 39,672 के पास, और निफ्टी बैंक के अंदर तो भाई इतना फॉल देखने को मिला है अभी, और यहाँ तक कि मुझे चांसेस लग रहे हैं और हजार, मतलब हजार का जो फॉल है वो हमें आज देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक के अंदर। और निफ्टी बैंक भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास पहुंच चुका है, 39,550 एंड 39,600, ये निफ्टी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से हमें एक बाइंग जो है वो आती हुई दिखाई देगी निफ्टी बैंक के लिए, जो निफ्टी बैंक को कहाँ तक लेके जा सकती है, 39,780 एंड 39,910, और जब तक बिलो 40,000 है निफ्टी बैंक और फ्री फॉल होगा, लेकिन एक सपोर्ट से चांसेस है निफ्टी बैंक के अपसाइड के रैली के। और यहाँ से और ज्यादा फॉल एक्सपेक्टेड कब होगा, जब निफ्टी बैंक 39,410 ब्रेक करेगा। तो निफ्टी बैंक के लिए सेटअप क्या बनता है बीटीएसटी का, अगर आप देख रहे हैं 315 और 320 को, निफ्टी बैंक जो है वो 39,550 और 600 के पास ट्रेड कर रहा है, ऐसे नहीं कि नीचे जाकर 39,400 से या फिर 39,350 से ऊपर आया है। अगर ट्रेडिंग हमें इस जोन में दिखाई दे रही है 550 और 600 के, तो ही एक बाइंग का ट्रेड बनता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। निफ्टी बैंक के लिए हम लोग 39,500 सी जो है वो बाय कर सकते हैं 315 और 320 को, जो भी प्राइस रहेगा उस प्राइस में। और कल हम लोग एक 200 पॉइंट्स का अप मूवमेंट मॉर्निंग में ही देखने को हमें मिलेगा अगर निफ्टी बैंक 39,550 एंड 600 के बाइंग जोन को रिस्पेक्ट करता है तो। लेकिन अगर आप देख रहे हैं 315-320 को 39,400 से नीचे ट्रेडिंग हो रही है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में और ज्यादा निगेटिव निफ्टी बैंक हमें होता हुआ दिखाई देगा। यहां से फिर निफ्टी बैंक 39,000 तक भी गिरने के चांसेस बने हुए हैं। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए ये बीटीएससी सेटअप रहेगा। और अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो निफ्टी बैंक के लिए फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा यहाँ से वो रहेगा 39,550 और उसके बाद में 39,350 और 360 का लेवल। अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस रहेगा 39,800 और 40,050 का लेवल। ये निफ्टी बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स कैसे फाइंड करते हैं प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन डेटा के बेसिस के ऊपर, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके हिसाब से आप खुद भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मुझे
अगर पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वहां पर लाइव मार्केट में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी इन नेक्स्ट BTST वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।